पुलिस के खिलाफ लगे नारे। जी हां, देवरी कला में गोरजामर्ग में दिन दहाड़े लूट होने के बावजूद पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की ठोस कार्यवाही न की जाने पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नगरवासियों में रोष दिखाई दे रहा है। अपनी दुकान बंद की ओर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बताया जाता है कि संतोष सोनी अपने पुत्र गोलू सोनी के साथ अपनी दुकान खोलने आए तो दुकान का ताला खोलते समय दुकानदार का थैला लुटेरे उठाकर ले गए। थैले में 400 ग्राम सोना, 50,000 नगद रुपए रखे हुए थे। तत्काल पुलिस को जानकारी दी और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराई, किंतु पुलिस ने किसी प्रकार की सकारात्मक कार्यवाही न कर चोरी का मामला पंजीबृत कर लिया। 5 दिन के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की, जिसको लेकर गोरजामर व्यापारी संघ एवं नगरवासियों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं लोगों ने बताया कि जब से नए TI आए हैं तभी से अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। रिपोर्ट करने के लिए थाने में जाने पर केवल आवेदन दिया जाता है, FIR दर्ज नहीं की जाती है। नगरवासियों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर SDOP को ज्ञापन दिया है। इस दौरान रतन सिंह सिलारपुर पूर्व विधायक और नगर व्यापारी संघ के लोग शामिल हुए। देते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? अब ऐसे आवेदन हम अभी थाने में देख लेते हैं, ऐसे कोई आवेदन होंगे जो आवेदन पड़े होंगे जिन पे कार्रवाई नहीं होगी, तो जब भी अगर उसमें अपराध बन रहा हो तो अपराध रजिस्टर्ड होगा और अदरवाइज शिकायत संबंधी जैसे जाँच होगी तो वो कार्रवाई भी करवाई जाएगी। जी, लगभग 2 महीने पहले अच्छा। की घटना है। हाँ, तो क्या हुआ उसमें? अपने मैंने रात में कोई जनरेटर चोरी कर ले गए आर्मेचर, तो मैं आया, आवेदन दिया, बोले कार्रवाई करेंगे, आप जाइए। आज उस दिन से ना कोई कार्रवाई, ना पावती दी, आवेदन FIR कुछ भी नहीं, और दुनिया भर का TI साहब बोल रहे थे कि हर काम पुलिस का थोड़ी होता है, आदमी अपनी जवाब